बहरिया टाउन इस्लामाबाद फेज 8 एक्सटेंशन में करंट मार्केट किस तरफ जा रही है और रेट्स का डाउनफॉल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? इफ यू वांट टू नो द कंप्लीट डिटेल्स वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम, दिस इज मी मिस पावर्टी विद न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन रियल स्टेट वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहरिया टाउन इस्लामाबाद फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर करंट ट्रेड अपडेट्स से रिलेटेड है। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि 2013 में जब फेज 8 एक्सटेंशन लॉन्च की गई तो उस वक्त मार्केट में एक ज़बरदस्त बूम देखने में आया और इसमें 17 से 18 लाख तक का प्रॉफिट देखने में आया था मार्केट में। उसके बाद हमने देखा कि जितनी तेज़ी से रेट्स ऊपर जा रहे थे उतनी ही तेज़ी से रेट्स में डाउनफॉल भी हमने देखा। प्रॉफिट पर सेल आउट होने के बाद हमने देखा कि फायर्स लेवल पर ट्रेड होने लगी, लेकिन उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया कि जो फायर्स थी बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में वो माइनस में ट्रेड होने लगी, यानी कि जो पेड अमाउंट थी उसकी उससे भी डाउन में प्लॉट की सेलिंग और बाइंग होने लगी। इसकी वजह ये थी कि जब एकदम एक डाउनफॉल देखने में आया प्राइसेस में तो जो इन्वेस्टर हजरात थे या फिर जो एंड यूज़र्स थे उन लोगों में एक डर और एक खदशा पैदा हो गया कि शायद इस चीज़ में उन्हें किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं होगा या फिर इसमें उन्हें लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इस हवाले से हमने देखा कि बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की जो स्टार्टिंग हिस्ट्री थी वो काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने में आया था। एनी हाउ, करंट सिचुएशन की बात करें तो एज वी ऑल नो इसमें फेज 8 एक्सटेंशन में हमें 1 से 6 तक यानी 1 to 6 प्रीसेंट्स दिए गए हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है वो प्रीसेंट 4 में चल रही है और ज़्यादातर जो सेलिंग और बाइंग हो रही है वो प्रीसेंट 4 में ही हो रही है। हमारे वो क्लाइंट्स जो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं और या फिर डियर फ्यूचर में उनका यहाँ पर बाइंग का कोई इरादा है तो उनके लिए प्रीसेंट 4 ही रिकमेंडेबल है। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर अब एक छोटा सा रेट एनालिसिस देख लें तो इसमें जो हमारे पास फिलहाल गिफ्टेड फाइल्स ट्रेड हो रही हैं वो 21 से 22 लाख के अराउंड ट्रेड हो रही हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि कुछ गिफ्टेड फाइल्स ऑन मैप अवेलेबल हैं और कुछ गिफ्टेड फाइल्स जो हैं वो ऑन मैप अवेलेबल नहीं हैं, और अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिए। जो भी आपके एजेंट हैं या जिस भी कंपनी के थ्रू आप बाय कर रहे हैं आप उनसे ये चीज़ कंफर्म करें कि जो भी गिफ्टेड फाइल आप ले रहे हैं वो मैप पर अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड फाइल जो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में ट्रेड हो रही है वो IDN फाइल है। IDN फाइल का रेट एनालिसिस देखें तो ये हमारे पास 23 से 24 लाख के अराउंड ट्रेड हो रही है। उसमें फिर हमारे पास जो मेन बुलीवर्ड और कॉर्नर की डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं उसमें थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस आ जाता है अराउंड 1 लाख 1.5 लाख के बिटवीन। और थर्ड फाइल प्रॉपर IET बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग देखने में आती है उसमें जो हमारे पास प्राइसेस हैं वो करंटली 24 से 25 लाख के दरमियान चल रही हैं। व्यूअर्स, यही सेम प्रॉपर IET फाइल जब मार्केट में बूम था तो उस वक्त 30-35+ में भी सेल आउट हुई थी। प्रॉपर IET फाइल्स की बात करें तो इसमें ये जो कैटेगरी है हमारे पास फाइल्स की, ये बाकी दोनों जो कैटेगरीज हैं लाइक IDN एंड गिफ्टेड उन दोनों के कंपैरेटिवली काफ़ी अथेंटिक कंसीडर की जाती है और ज़्यादा ट्रेडिंग भी इसी फाइल में देखने में आती है। जो लोग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उन्हें आइडिया है कि इसमें एक दो बार काफ़ी बूम देखने में आया, उसके बाद प्राइसेस डाउन हुई, उसके बाद फिर से एक दफ़ा प्राइसेस थोड़ी सी अप हुई। बहरहाल वो प्राइसेस इतनी राइज नहीं हुई जितनी स्टार्टिंग हिस्ट्री में हुई थी, लेकिन बहरहाल जो डाउनफॉल आया था उसके बाद एक दफ़ा फिर वो राइज हुई थी। हमारे वो क्लाइंट्स जो कि होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं वो बहरिया टाउन की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी कि रेट्स के डाउनफॉल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन फेज 8 की जो सिचुएशंस होती हैं वो अनप्रडिक्टेबल रहती हैं। इसमें कभी भी डाउनफॉल देखने में आ सकता है, कभी भी राइज देखने में आ सकता है। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में रेट्स की सिचुएशन जो भी चल रही हो, बहरहाल ये अपनी नोयत का एक अहम प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग किसी भी वक्त रुकती नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में कैश या इंस्टॉलमेंट्स और पाकिस्तान की किसी भी सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं
तो मेरा नंबर स्क्रीन पर गिवन है, आप अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक फ़ोन कॉल के थ्रू ले सकते हैं। मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप और ईमो पर भी अवेलेबल है फॉर माई ओवरसीज क्लाइंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।